इलेक्शन तरमीमी एक्ट सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद से रोकता है। मखसूस नशस्तों के अलॉटमेंट पर इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट में नई मुतफारिक दरख्वास्त दायर करने का फैसला। जरा के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट की वजाहत के तफसीली जायजे के बाद अहम फैसले कर लिए हैं और इलेक्शन कमीशन ने मौके अपनाया है कि सुप्रीम कोर्ट बताए फैसले पर तकनीकी तौर पर कैसे अमल दरामद किया जाए। इसी पर बात करेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद आमिर इलियास राणा साहब हमारे साथ मौजूद है। आमिर साहब बताइएगा इस हवाले से क्या तफसीलात हैं। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन के जिम्मेदार जराए ने हमें ये बात वजाहत से बताई है कि तीन दिन हमने इजलास किए हैं और चूंकि पहले थी इलेक्शन कमीशन की अपनी डेलीब्रेशन के जो सुप्रीम कोर्ट ने वजारती नोट जारी किया है उस पर क्या किया जाए, तो वहाँ इलेक्शन कमीशन का फैसला था कि हमें इस पर रिव्यू डालना चाहिए, एक CM में जिसको मुतफरक दरखास्त कहते हैं कि वो दे देनी चाहिए। फिर आज उन्होंने वकला से मुशावरत की और उसके साथ स्पीकर, कौमी असम्बली, पंजाब असम्बली के स्पीकर और दीगर स्पीकर के खत चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास आए कि अब एक कानून बन चुका है जो इन फील्ड है कि आप बैक डेट से जाके दोबारा सीटें नहीं दे सकते। जिस लोगों ने तीन दिन में जिस जमात में जाना था वो चले गए, तो अब उनका राइट नहीं रहा। तो इलेक्शन कमीशन वजाहत चाहेगा कि एक तरफ स्पीकर कह रहे हैं लॉ ऑफ द लैंड मौजूद है कि अलॉटमेंट नहीं हो सकती और आपके फैसले के बाद, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये फैसला आया, तो उसकी बुनियाद पे वो कह रहे हैं कि हम मुतफरिक दरखास्त करेंगे और ये एक या दो दिन में सामने आ जाएगा सारा फैसला के वजाहत के साथ, जब इलेक्शन कमीशन वहां पे दरखास्त देगा। क्योंकि सब लोग इसी खबर में थे कि इलेक्शन कमीशन किस तरह इंप्लीमेंट करेगा या इसे कैसे रोकेगा, तो ये दोबारा बाल सुप्रीम कोर्ट में ही जा रही है कि जी आप हमें चैम्बर हेयरिंग की बजाय कोर्ट में, फुल कोर्ट में सुने, और जाहिर है कि फिर वो तफसीली फैसला देना पड़ेगा, उसी के बाद वो सुन सकते हैं। तो यहाँ पे बात फंसी हुई है। अब उन 8 जजेस ने ना तो तफसीली फैसला जारी किया है और ये दोबारा इलेक्शन कमीशन वहां पे मुतफरिक दरखास्त देने जा रहा है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आमिर इलियास राणा साहब।